सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके अगर इंटरनेट की स्पीड है जो स्लो है, अगर आपका नेट जो स्लो चलता है, तो मैं आज आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि आपका जो नेट का जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा 100%। आपका ये जो ट्रिक है काम करने वाली है, कैसे काम करने वाली है, कौन सी ट्रिक है, इसके बारे में जो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी आपको देने वाला। अगर आपके 4G का नेटवर्क नहीं है तो भी जो आपका नेट की स्पीड जो है डाउन नहीं होगी, इसके बारे में जो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो यार आप हमारे वीडियो को या पूरा देखना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको सेटिंग बता देता हूँ कि आपको कौन सी सेटिंग जो आपको करनी है। ओके, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सिंपल सा आपको अपने मोबाइल के अंदर जो है सेटिंग में चले जाना है। ओके, सेटिंग में चले जाने के बाद आप यहाँ ऑप्शन मिलेगा नेटवर्क मोड का। ओके, मोबाइल नेटवर्क का या फिर डुअल सिम का कुछ भी जो है, ये जो मेरे ऑप्शन है ये आपको दिखाई दे रहा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपको कौन सी जो सिम है, जैसे मेरे दो सिम डाली हुई है, तो मैं फर्स्ट जो सिम है उसके बारे में आपको बात कर रहा हूँ कि जो उसकी जो स्पीड बढ़ानी है तो क्या करना है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले जो सेटिंग वो आपको ये है कि नेटवर्क मोड है जो, इसके अंदर आपको ये तीन चार जो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, 2G 3G और 3G ओनली, 2G ओनली और 4G। ओके, तो इन ऑप्शन में आपको सबसे जो कौन सा ऑप्शन चूज करना है, ये वाला 2G 3G 4G परफेक्ट है। ओके, तो ये वाला जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ऑटो कनेक्ट का होता है, ये वाला ऑप्शन जो आपको चूज करना है। अगर आपका यहाँ पर 2G ओनली है या फिर जो 3G ओनली है, तो मेरे तो फिलहाल ये जियो है तो 4G में कन्वर्ट कर, 4G में काम करेगा। लेकिन अगर आपका आपके पास एयरटेल आइडिया वोडाफोन है तो आपके लिए यही ऑप्शन चूज करना है। यानी कि अगर आपको इससे होता क्या है कि अगर आप कहीं और गए हो, अगर आपको वहाँ पर 4G का नेटवर्क परफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो ये जो सिम है आप ऑटोमेटिकली आपको ऐसे 3G की जो सेवा है वो आपको मुहैया करा देगी। यानी कि आपका जो नेटवर्क है वो 3G में चेंज हो जाएगा, वो 4G का नेटवर्क ना होने की वजह से आपको 3G में जो आपको इंटरनेट की स्पीड मिल जाएगी। हालांकि वो स्पीड जो है 4G का नेटवर्क ना होने की वजह से 3G मिलेगी, वो भी आपके लिए स्पीड जो है बढ़िया होगी। ओके, तो ये वाला जो ऑप्शन इसलिए था। और उसके बाद जो आपको क्या ऑप्शन है, क्या ट्रिक है, वो है यहाँ पर आपको APN बोले तो एक्सेस पॉइंट नेम। ओके, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पर आप क्या करना है, ये ऊपर आपको नाम दिखाई दे रहे हैं Jio 4G। ओके, तो सबसे पहले आप रीसेट ऑफ टू डिफॉल्ट पे आपको क्लिक करके इसको जो रीसेट कर लेना है। ओके, रीसेट करने के बाद आपको यहाँ पर Jio 4G पे क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको कोई छेव करनी नहीं करनी है। नीचे ओके, तो नीचे आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा APN प्रोटोकॉल। ओके, तो अगर आपके ये जो APN प्रोटोकॉल है खाली 4 पर सॉरी या IPv4 या IPv6 पर है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो ऑटो पे रख देना है। ओके, ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है IPv4/IPv6। ओके, तो इस पर आपको रख देना है। और एक जो है APN रोमिंग प्रोटोकॉल, इसके अंदर भी आपको यही करना है कि IPv4 और IPv6 का है, तो इसके अंदर आपको राइट कर देना है। अगर आपका ये IPv4 है या फिर जो IPv6 है, तो आपको यहाँ पर ऑटो कनेक्ट कर देना है IPv6 और IPv4 दोनों जो। अगर इसका मतलब है कि अगर आप कहीं पर नेट की स्पीड के साथ जो IPv4 की सेवा मिली है, तो आपको IPv6 की नहीं मिलेगी। अगर ऑटो में होगी तो दोनों में से किसी की सेवा होगी, तो आपका मोबाइल जो है कनेक्ट हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद ये बैरियर है, तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपको अनसर्टिफिकेट है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर जो अनसर्टिफाइड है नाम है जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा, यह LTE का ऑप्शन है, तो इसके अंदर आप सेट करके LTE के अंदर और आपको डन कर देना है। ओके ओके, अगर इसके अंदर आपको जो नेट में थोड़ा भाई स्लो प्रॉब्लम आ रहा है वापस, तो आप क्या करना है, यहाँ पर जो आपको वापस जो है ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो का, ये वाला ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। ओके, और वापस इसको डन कर देना है, तो 100% आपको जो नेट की जो स्पीड है उसमें आपको 100% जो फर्क मिलेगा, और आपकी स्पीड है जो मोबाइल की वो बहुत ज़्यादा जो बढ़ जाएगी। ओके, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सीधे, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।